Hello my dear friends, my name is Chris Samuel and you are watching Chris Samuel. No friends, आज का टॉपिक है कटिंग्स, तो आप किस टाइप की कटिंग्स लगा सकते हैं. नो फ्रेंड्स, अभी जो है रेनी सीजन चल रहा है और ये देखिए रूट्स ग्रो होकर जो है बाहर आ गए हैं, देख सकते हैं आप. ये जो है वाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, ये जो है रूट्स है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि सब कहते हैं कि रेनी सीजन जो है बेस्ट होता है कटिंग्स लगाने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सीज़न में जो है ट्री में ऑटोमेटिक एरियल रूट्स आ जाती है. और अब आप इसे किसी भी सॉइल में लगा दीजिए तो ये बहुत ही स्पीडली ग्रो हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ सॉइल एक छोटा सा कंटेनर लिया, इसमें सॉइल फिल कर ली है और सॉइल अभी काफ़ी गीली हो रखी है. और अब जो है देखिए ये हमारी कटिंग, और जो यहाँ रूट आ रही थी इस वाले पार्ट को हम नीचे की ओर करके बस हम जो है अब सॉइल फिल अच्छी तरीके से कर देंगे. फ्रेंड्स देखिए कटिंग जो है लग गई है, और अभी जो है मैं इसे फुल ओपन एरिया में रख दूंगा क्योंकि अभी मुझे इसे जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. पॉली हाउस में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो खुद ही पॉली हाउस बना हुआ है. तो आप इस टाइम जो है सीडलिंग भी कर सकते हैं और कटिंग्स भी लगा सकते हैं. इस टाइम कटिंग भी काफ़ी इजीली लगती है, और जो बारहमासी पौधे होते हैं मतलब जो पूरे साल रहते हैं उन पौधों के आप सीडलिंग भी कर सकते हैं. तो आपने देखा आप कितनी इजीली ये कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और ये कटिंग कभी फेल नहीं होती है क्योंकि इसमें पहले से रूट्स मौजूद हैं. और इसमें वाटरिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि सॉइल बहुत गीली थी हमारी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा यह बहुत ईजी कटिंग ग्रोइंग वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. नीचे कमेंट करना कभी ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.